प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अर्थव्यवस्था और आत्मविश्वास को नई ऊंचाइयां दी गई हैं। साल 2047 तक देश दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, यह दावा केंद्रीय उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने किया। प्रेस से बातचीत करते हुए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने कहा कि G20 सम्मेलन में विश्व ने भारत की ताकत को सराहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुआ यह सम्मेलन अब तक का सबसे कामयाब सम्मेलन रहा, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। उन्होंने दावा किया है कि देश के व्यापारियों उद्योगपतियों में उत्साह और विश्वास दोनों देखे जा सकते हैं। सूक्ष्म, लघु और मध्यम वर्ग के उद्योगों के लिए सरकार ने नई नई योजनाएं शुरू की हैं। वहीं दूसरी तरफ गरीब और मध्यम वर्ग के कल्याण के लिए भी कई कदम उठाए गए हैं। एक सवाल के जवाब में उद्योग मंत्री गोयल ने कहा कि साल 2020-21 के पहले देश का निर्यात $500 बिलियन था, जो आज 55% बढ़कर $7,076 बिलियन पर पहुंच गया है, जो एक नया रिकॉर्ड है। उन्होंने मध्य प्रदेश के विकास और तरक्की में उद्योगों के योगदान की जमकर सराहना की। उनका कहना था कि मध्य प्रदेश के सभी बड़े शहरों में लघु, सूक्ष्म, मध्यम उद्योगों ने प्रदेश और देश की प्रगति में अहम योगदान दिया है। इसके पहले उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल मध्य प्रदेश गौरव प्रतिष्ठान द्वारा आयोजित प्रबुद्ध जन सम्मेलन में शामिल हुए। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से भारत को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया है, चाहे वो भारत की अर्थव्यवस्था हो, भारत का आत्मविश्वास हो, भारत के लोगों का संकल्प हो एक विकसित भारत 2047, चाहे वो हमारे गरीबों का कल्याण हो, मध्यम वर्ग के लिए अच्छा भविष्य देने का काम हो, व्यापार और उद्योग को और बल देने के लिए नई नई योजनाएं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम। कल माननीय प्रधानमंत्री जी विक्रमपुरी जो उद्योग इंडस्ट्रियल सेंटर है उसका उद्घाटन करने आने वाले हैं। मैं समझता हूँ एक पूरे देश में जो उत्साह देश को आगे लेके जाने का है और जो पूरे विश्व में भारत के प्रति जो विश्वास लोगों में है, व्यापारियों में है, उद्योग में है कि आप भारत ही आगे चल के विश्व की अर्थव्यवस्था को भी तेज गति से बढ़ने के लिए। अगर हम आज की स्थिति देखें, कल ही डेटा निकला है इंडस्ट्रियल सेक्टर्स का ग्रोथ का, 12% ग्रोथ इंडस्ट्रियल सेक्टर्स, ऐतिहासिक है। दुनिया के रिसेशन और डिप्रेशन में जा रही, भारत और तेज गति से। मैं समझता हूँ कि इसी गति को देखते हुए मेरा पूरा विश्वास है कि 2047 तक कोई भी विशेषज्ञ से आप बात कर लो, भारत आज से 10 गुना बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। हमने तेज गति से अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी भारत का परचम लहराया। 2020-21 तक यानी मार्च 21 तक भारत का कुल निर्यात $500 बिलियन जी। $500 बिलियन यानी उस समय लगभग 37-38 लाख करोड़। मात्र 2021 मार्च से लेकर 2021-23 मार्च मात्र 2 वर्षों में ये बढ़ के 776 बिलियन डॉलर यानी लगभग 60 लाख करोड़, 55% से अधिक बढ़त मात्र 2 वर्ष में। अपने आप से एक नया इतिहास रचा है भारत ने और ये वास्तव में आज जो यहाँ हमारे उपस्थित सब उद्योग व्यापार जगत के हमारे प्रबुद्ध नागरिक है जो भारत को आगे का नया विजन देते हैं, नए मार्ग दिखाते हैं, इन सबके कार्यशैली इन सबके कर्मठ प्रयासों से हुआ। और मैं मध्य प्रदेश की जनता, भोपाल, इंदौर, जबलपुर ऐसे जो प्रमुख यहाँ के शहर हैं, इन सबके लोगों ने, हमारे गांव में स्थित सभी हमारे किसान भाई बहनों ने, जिस प्रकार से हमारे हस्तशिल्प और कारीगरों ने, विश्वकर्मा भाई बहनों ने इस देश को आगे बढ़ाया, सभी को साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ।